स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सौर गुरु। और आज मैं बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा ASO टेंडर को लेकर कल बड़ी अपडेट आई है। हालांकि टेंडर जारी भी हो चुका है और कल ही मैं ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ काम में व्यस्त होने के कारण वीडियो नहीं बनाया था। इस मुद्दे पर बात करेंगे कि किसको टेंडर मिला है और टेंडर मिलने के बाद अब कौन कौन सी कंपनियां जो है वो बिहार में बिहार विधानसभा ASO का एग्जाम करवाएंगे, उस तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोग को कल नहीं परसों मेरी वीडियो आई जिसमें मैंने बताया भी था आप लोगों को कि टेंडर बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। जो टेक्निकल इशू था वो टेक्निकल इशू 2 अगस्त से पहले क्लियर कर जाएगी और मैंने बोला भी था कि आपको अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। परंतु जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको किसी खास चीज़ से लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ ऐसे ही मतलब होता है टाइम पास करने के लिए आते हैं। मैंने उनका कुछ मैसेज देखा था, हालांकि उसमें मैसेज को मैं उनका रिप्लाई करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है और मुझे पता है कि मैं जो जो चीज़ दे रहा हूँ वो टॉप द ऑप दे रहा हूँ। मतलब कैसे कह सकते हैं कि एकदम बिल्कुल फिल्टर के चीज़ों को मैं देता हूँ। आमतौर पर जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी आकर बोल देना, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ मैं बोलता हूं तो फैक्ट के साथ बोलता हूं। और आज भी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि टेंडर जारी हुई है उसका बड़ा अपडेट क्या है वो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप लोग अगर उन बच्चों के कमेंट्स को देखते हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि वैसे बच्चों को तुरंत डोज दिया जाए। डोज देने का मतलब होता है शाब्दिक डोज दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है वैसे बच्चे समाज में हर वर्ग में मिलते हैं और मैं उचित नहीं समझता हूँ कि जवाब देना, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं चलो पहली बार देख रहे हो, बताना चाहता हूँ कि चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले अपडेट बताया जाता है और खास तौर पर बिहार विधानसभा और फिर परिषद के ऑफिस अटेंडेंट का जो भी बच्चे फॉर्म भरे हैं जो कि 10th लेवल पर आया था उसके लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब बैच आपको हमारे नए यूट्यूब चैनल @examBagh। जी हाँ दोस्तों, @examBagh का मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, EXAMBAGH examBagh, @examBagh पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को 1200 से 1500 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दिए गए हैं, वो भी ऑफिस अटेंडेंट के, क्योंकि इस बार पहली बार हो रहा है कि बिहार विधानसभा हो या फिर बिहार विधान परिषद हो, ऑफिस अटेंडेंट का एग्जाम इस बार रिटर्न हो रहा है। इससे पहले जो भी ये पद थे ऑफिस अटेंडेंट का जिसको आप लोग कार्यालय प्रचारी बोलते हो, उस पद के लिए केवल इंटरव्यू लिया जाता था। तो बहुत सारे बच्चों ने ITI डाला था, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेन किया था कि वहाँ धांधली होती है। इसलिए अब आप रिटर्न के बेस पर जाएंगे तो आपके मन में जो भी इफ और बट था कि हमारा नहीं हुआ, अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपके अंदर मेरिट रहेगा तो वहाँ पर सिलेक्शन होगा और नहीं रहेगा सिलेक्शन नहीं होगा। बात करते हैं वहाँ पर एग्जाम पैटर्न का, जो बच्चे नहीं पता उनके लिए टोटल आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से 55 प्रश्न जो होंगे वो आपके GK GS के होंगे, यानी जिसमें साइंस होगा और आपका प्रो आर्ट्स होगा। साथ ही साथ उसमें जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहने वाले हैं बेसिकली आपके रीजनिंग रहने वाले हैं और बाकी आपके मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसलिए अगर बच्चे जिसका तैयारी करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि आज के दिन सभी चीज़ आपको पैसे से मिलते हैं, हर बैच आपको पेड बेचा जाता है, इवन कि आपको PDF के भी पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो आपको PDF का 10 रुपये 15 रुपये मांगते हैं, यहाँ पर वो कुछ नहीं, वहाँ सारा चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। @examBagh पर जाइए और अपनी तैयारी को एक नई आगाम और एक नई दिशा दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि कैसे आप बता पा रहे हैं कि बिहार विधान सभा को ASO को टेंडर को लेकर बड़ा अपडेट क्या कुछ है, तो मैं आपके सामने एक PDF दिखाता हूँ। PDF ये आपके सामने ये रहा। सबसे पहले से बात करते हैं PDF की, तो PDF का सबसे पहले बात तय करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कुछ PDF में। ऐसे ही कुछ चीज़ों को मैं नहीं बोलता हूँ, तथ्यों के साथ बोलता हूँ। सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़िएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय, ठीक है। सबसे पहले डेट देखिए, क्योंकि आप लोग को डेट दिखाना पड़ता है। डेट क्या है, कल का अगर डेट आप देखे होंगे तो 29 जुलाई का ये आप लोग का लेटर है। इसलिए जो वैसे बच्चे जो बोलते हैं कि ऐसे ही बोल दिया, ऐसे नहीं, फैक्ट के साथ बोलते हैं, ठीक है, आप थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कुछ है देखिएगा, बिहार विधानसभा सचिवालय, सभी चीज़ को पहले पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे क्या कुछ रहने वाला है। बिहार विधानसभा सचिवालय के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर, विभिन्न कोटियाँ जितने भी फॉर्म निकाले गए थे, ये सिर्फ ASO का ही नहीं है, ये ASO के साथ साथ आप लोग का कार्यालय परिचारी का भी है, यह साथ साथ आपका जितने भी डिपार्टमेंट निकले, जितने वैकेंसी निकले, सबके लिए भर्ती हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं इससे संबंधित अन्य कार्य के संचालन हेतु एजेंसी के चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों पर प्रकाशित जो NIT दिया गया था, ठीक है, 00/2024 दिनांक 5/6 यानी 5 जून तथा बिहार विधानसभा के वेबसाइट पर जारी जो RFP था, RFP जिसको बोलते हैं रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी कौन कौन प्रपोजल का एक्सेप्ट करना चाहेगा, के माध्यम से इच्छुक निविदाओं से निविदा आमंत्रित किया गया था। निविदा आमंत्रण की अंतिम तिथि जो थी वह 10 जुलाई थी, बिल्कुल 3 बजे तक। उक्त निविदा आमंत्रण सूचना के आलोक में 6 निविदा, यानी 6 टेंडर वालों को, जो निविदाओं को निविदा से निविदा प्राप्त हुए हैं, यानी 6 से टेंडर प्राप्त हुआ था, यानी 6 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था कि हाँ भैया हम बिहार विधानसभा का ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। दिनांक 10 जुलाई को 4 बजे अपराहन में निविदाओं की उपस्थिति में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष तंगनी को खोला गया, यानी 10 जुलाई को खोला गया कि भैया आप लोग ये जो रिक्वेस्ट दिए थे उसके लिए। निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 11/7 यानी 10 जुलाई को लास्ट था और 11 जुलाई की बैठक में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार
निविदाओं से डेमो यानी डेमो लिया गया कि बताइए किस तरह से आप एग्जाम ले सकते हैं। अब डेमो में क्या होता है कि वो अपने सेंटर को दिखाते हैं, वो अपने सिस्टम को दिखाते हैं और किस तरह से वो प्रेजेंट करेंगे बच्चों को, क्वेश्चन को कैसे सर्वर को दिखाते हैं, वो सारा चीज दिखाते हैं। ठीक है, डेमो प्रेजेंटेशन लिया गया तथा उनसे प्राप्त तकनीकी जो टेक्निकल निविदा पर समिति द्वारा विचार किया गया कि भैया किसका सर्वर स्ट्रांग है या किसका सिस्टम जो है वो हमारे पोर्टफोलियो पर आ रहा है या किसका स्टैंडर्ड जो पैमाना है वो हो रहा है, उस पर देखा गया। एसेंशियल टेक्निकल प्रीरिक्विसाइट्स यानी एसेंशियल टेक्निकल प्रीरिक्विसाइट्स तथा तकनीकी डेमो, जो डेमो दिए गए थे प्रेजेंटेशन के आधार पर निविदा मूल्यांकन समिति, जो निविदा देने वाली थी उसकी जो मूल्यांकन की समिति बनाई गई थी, से पश्चात निम्नलिखित तीन यानी छः में से जो है वो तीन को चुना गया। और ये तीन कौन कौन से आपके सामने है, पहला टेंडर दिया गया है किसको, तो वी साइन टेक को दिया गया है जो कि पुणे की कंपनी है। दूसरा टेंडर दिया गया है ऐप टेक लिमिटेड, ये भी मुंबई की कंपनी है। और तीसरा ICEF इंडिया, ये बैंगलोर की, यानी दो आपकी मुंबई की हो गई, महाराष्ट्र की हो गई, महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई, और एक बैंगलोर यानी कर्नाटका। अब आप देख सकते हैं कि ये जो तीनों टेंडर जिस स्टैंडर्ड को दिया गया है, ये तीनों के तीनों बिहार के बाहर है। अब बिहार के बाहर होने का ये सबसे बड़ा कारण है कि इनके साथ जो है वो फ्रॉड नहीं हो सकता है। जाहिर सी बात है कि यह हमारे बिहार के बाहर के संस्था है तो यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस कम है, कम है यानी बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बिहार की कोई संस्था होती तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा मन में एक डाउट तो रहता है कि भैया बिहारी लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बिहार के बाहर की टेक्निकल कंपनियां हैं जिनको टेंडर दिया गया, तो तीन कंपनी को टेंडर दिया गया, वी साइन टेक को, ऐप टेक को और ICEF इंडिया को। अब क्या पूछा गया है, अब उसको क्या बोला वो देखिएगा। लिखा गया है अतः उक्त निविदाओं को सूचित किया जाता है, यानी छः में से तीन को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 2/8 यानी 2 अगस्त को 11:30 बजे दोपहर में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष वित्तीय निविदा खोले जाने के समय निश्चित रूप से उपस्थित रहें। वित्तीय निविदा क्या होती है समझिएगा, आपने जो प्रपोजल दिया, जैसे मान लो कि इन्होंने कहा होगा कि हम 40 लाख में जो है वो आपका पूरा एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है, और वो जो है वो जो निविदा कंपनी है जो उसने वित्तीय निविदा कंपनी है जो फाइनेंशियल जो कंपनी है हमारी जो सरकार की, वो क्या बोली कि भैया 40 नहीं हम 35 लाख में करवाना चाहते हैं, करवाने के इच्छुक हैं कि नहीं है, ठीक है, तो उस अनुसार पर इन दोनों का डील होगा 35 लाख 40 लाख, और 2 अगस्त को ये फाइनल हो जाएगा। और 2 अगस्त को फाइनल हो गया तो जाहिर सी बात है 15 अगस्त के पहले आप लोग का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। इसलिए जो मैं आपको परसों की वीडियो में बताया था कि आप लोग का अगस्त में एग्जाम हो जाएगा, ये मैं किसी किसी आधार पर बोलता हूँ, आमतौर पर 99% व्यक्ति जो होते हैं वो निराधार बातों को बोलते हैं, लेकिन मैं कुछ भी बात बोलता हूँ तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसके पीछे एक फैक्ट होता है, क्योंकि मैंने एजुकेशन लाइन में अपना 10 साल दिया है और 10 साल एक उम्र होती है जिसके आधार पर मैंने बहुत बच्चों को असफल से सफल होते हुए देखा है और बहुत सारे असफल बच्चों को सफल के साथ साथ बहुत सफल बच्चों को असफल भी होते हुए देखा है, सिर्फ और सिर्फ अपने सही तकनीक को ना लगाने के कारण। इसलिए अगर आप किसी एक व्यक्ति को अपना मेंटर मानते हैं तो उसकी बातों पर भरोसा आपको रखना होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार हमारे लिए सोचती है और सरकार कुछ भी कर सकती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा बिहार कांस्टेबल के एग्जाम को लेकर के, या फिर BSSC इंटर लेवल को ही ले लीजिए, BSSC इंटर लेवल के एग्जाम अभी तक उसका डेट घोषणा नहीं हुआ है, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति कहता है कि एग्जाम आज हो कल हो तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी चीज़ें निर्भर करती है, ठीक है। तो बाकी आप समझदार है, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये तीन एजेंसी को दिया गया है और 15 अगस्त से पहले आप लोग एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया, ठीक है। अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, सर आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जोड़ कीजिएगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल, थैंक यू।